अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो आज हम बना रहे हैं चीलू कबाब। जिसको चीलू कहते हैं, चूलू कहते हैं, क्या कहते हैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, लेकिन हम तो इसे चीलू कबाब ही कहते हैं, जो कि मैं बना रही हूँ चिकन के कीमे से। बहुत ही मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट और यमी से बनते हैं ये कबाब, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और बहुत ही खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो यहाँ मेरे पास है चिकन का कीमा, जो मैंने बोनलेस लेकर उसको अच्छा सा वॉश करने के बाद घर में ही चॉपर में उसको मैंने उसका कीमा बना लिया। और ये तकरीबन 350 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे ये चिकन का कीमा मौजूद है। इसको हम करेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नमक, उसके साथ डालेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर सिर्फ हमें डालना है, गरम मसाला मैंने इसमें नहीं डालना, इसमें हमने डालना है सिर्फ दालचीनी का पाउडर। जैसे थोड़ा सा 2 पिंच के करीब डाल दें आप, ठीक है। और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ लेमन जूस, हाफ लेमन का जूस आप डाल दें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है लेमन जूस से। और उसके साथ ही मैं यहाँ इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब डाल दिया है। और अब ये है मेरे पास प्याज, प्याज बड़े साइज़ की थी तो इसीलिए मैंने इसको हाफ कर लिया है। इसको हम करेंगे ग्रेट, ग्रेट करने के बाद इसका एक्सेस वाटर जो होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे, और वो प्याज ग्रेट की भी हम इस कीमे में शामिल करेंगे। तो पहले मैं इसको ग्रेट करती हूँ, इसका एक्सेस वाटर रिड्यूस करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए, ये जो मैंने हाफ प्याज ली थी उसको मैंने अच्छा सा ग्रेट करके उसका एक्सेस वाटर रिड्यूस कर दिया, और वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, और फिर हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सब मसालों के साथ मैंने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच जितने ब्रेड क्रम्स, ताकि एक अच्छी सी ब्राइंडिंग हो जाए हमारे चिकन के कबाब की, चीलू कबाब, ठीक है। ये डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे से हमारी सब चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं कीमे में। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। जितना ज़्यादा मैरिनेशन टाइम देंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। तकरीबन 1 घंटा तो आप इसको लाजमी दें। तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, और हम आपसे मिलेंगे 1 घंटे के बाद। और चिकन के कीमे को हमने जो मसाला लगाया था उसको मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और अब बारी आती है उसको पकाने की। तवा ले लिया है मैंने, और उसके ऊपर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो कबाब मैंने बनाया है इस सीख पे, अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, और मैं इसी तरीके से सारे कबाब अपने बना के फ्राई करूंगी। एक तरफ से कलर आ जाएगा, साइड टर्न करेंगे और अच्छे से कुक करेंगे। एक तरफ से जो है हमारे कबाब फ्राई हो गए थे, उनकी मैंने साइड टर्न की है, और जैसे ही एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आता जाएगा, हम देखें उनकी साइड टर्न करके उनको चारों तरफ से हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरीके से खड़ा भी कर देंगे ताकि जो इनकी साइड्स हैं वो भी अच्छी सी कुक हो जाए। और ये हमारे चीलू कबाब ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन इस पर कलर आया है, और खाने में भी इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट और यूनिक है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे, और आप इसी मेथड से बीफ या मटन की कीमे से भी बना सकते हैं इसे, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।